Thank you.
tarde. सभी अपने मन बुद्धि को अन्य सभी बातों से समझ अनुभव करें।
परम पवित्र आत्मा त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो, मुझसे पवित्रता की सुंदर रश्मियां चारों ओर फैल रही है। मैं पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, पवित्रता मेरा श्वास है, मेरा जीवन है, मेरा श्रृंगार है। मैं आत्मा पवित्र पूर्वज हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, स्वयं मेरे साथ सर्वशक्तिमान बीज रूप शिव बाबा भी विराजमान है। पवित्रता के सागर शिव बाबा से मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति लेकर सारे कल्प वृक्ष को दे रही हूँ। मैं पवित्र पूज्य आत्मा सारा संसार अपवित्रता की अग्नि में जलकर दुखी और अशांत हो गया है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य स्वरूप आत्मा को पुकार रही है। मैं उन्हें विश्व के ग्रोह पर विमर्श करके पवित्रता की सकास दे रही हूँ। जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रही हैं। महसूस करें मैं आत्मा एक प्रदा मेरे सारे संबंध एक बाबा से है। बाबा ही मेरे संसार है, वही मेरे सर्वस्व है। मैंने दिल से अपना सब कुछ मान लिया है, वही मेरे सच्चे साथी भी हैं और सहारे भी हैं, वही सच्चे शुभचिंतक और मार्गदर्शक हैं। उनके सिवाय और कोई भी इस
विषय सागर से मुझे पार नहीं ले जा सकता। संसार के सभी व्यक्ति मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन बाबा सदा मेरे साथ रहेंगे और अपने ही साथ मुझे भी ले जाएंगे। ऐसे प्रयत्न पर मैं आत्मा संपूर्ण समर्पित होती हूँ। अनुभव करें, यह शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा इसमें रथी हूँ। मेरी बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। इस रथ में मैं आत्मा मस्तक के बीच निवास करती हूँ। महसूस करें, मुझ आत्मा से रंग बिरंगी किरणें निकल रही है। मैं आत्मा पवित्रता, सुख, शांति, आनंद प्रेम व सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि से चांद सूर्य तारागण से भी पार होती हुई स्वयं प्रकाश के घर में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ केवल इशारों की भाषा है, संकल्पों की भाषा है। यहाँ कोई स्थूल आवाज नहीं है। कैसा प्यारा और निराला है यह वतन। यहीं पर स्वयं मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा निवास करते हैं। यहाँ पर ही मेरे प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से नयन मुलाकात करते हैं। देखें, बाप दादा स्वयं बाहें फैलाए मेरा आवाहन
मैं बाबा की बाहों में समा जाती हूँ। कितना प्यारा है ये मिलन बाप और बच्चों का। बस मन करता है कि सदा बाबा की बाहों में समाई रहूं, केवल बाबा के नैनों से प्रकाश और शक्ति अपने में समाती रहूं। न समय की सीमा हो और न देह और देहधारियों की स्मृति हो, बस एक पल के लिए बाबा से जुदा ना हो। परमधाम की ओर जा रही हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर भी लोप हो गया है। चारों तरफ पवित्रता की ही किरणें हैं, सभी शक्तियों व गुणों का ही अनुभव मुझे हो रहा। मैं आत्मा अपने मीठे बाबा के पास स्थित हो जाती हूँ। अब मुझे बाबा से शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद व सुख का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा बाबा से एक एक गुण व शक्ति से आपको भरपूर कर रही और साकार मनुष्य रूप में ट्रांसफर कर रही हूं। अनुभव करी बाबा से बातें करते से उतर उतर कर पवित्रता की किरणें गोल्डन प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है। इन किरणों से मेरी सारी पवित्रता मिटती जा रही है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनती जा रही है। मेरे अंदर का अंधकार समाप्त हो रहा है।
समान चमकने लगी। अब मैं पवित्रता की वोल्टेज किरणों में फैला रही हूँ। मेरी यह किरणें बहुत दूर स्थित साकार मनुष्य लोक तक पहुंच रही भी सर्व समान चमक रही है। उन्हें भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व भी सत्व प्रधान हो रहे हैं। यह कलयुगी दुनिया समाप्त हो रही है। सतयुगी गोल्डन दुनिया स्थापन हो रही है। बुराइयों का साम्राज्य नष्ट हो रहा है। मैं आत्मा भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाबा, आप शांति के सागर भी हो। आपसे शांति की किरणें निकलकर मुझे प्राप्त हो रही है। इन किरणों से मेरी सारी अशांति दूर हो रही है। मैं आत्मा शांति की अनुभूति कर रही हूँ। गहन शांति अनुभव हो रही है। मैं आत्मा चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। साकार मनुष्य लोक की आत्माओं को भी शांति प्रदान कर रही हूँ। शांति की किरणें पड़ रही हैं। सभी का तनाव समाप्त हो रहा है। तमो प्रधान प्रकृति भी सत्व प्रधान प्रकृति में परिवर्तित हो रही है। सुंदर सुगंधित शीतल खुशबूदार बन गई है।
मुझे बहुत ही हर्षित हो रहा है, किया हो रहा है, कितना सुंदर यह नजारा है। वाह मेरे बाबा, आप तो पूरे विश्व को ही परिवर्तित करने वाले हो। आपका हृदय से बारंबार शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन को एकाग्र करते हुए शिव बाबा से अनेक संबंधों का अनुभव किए। मेरे परम हितकारी बाबा,
स्वयं को अनुभव कर रही हूं कि यह मेरा कितना ध्यान करते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं आपके छत्र छाया में मैं आत्मा अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती हूँ जिस भगवान के दर्शन मात्र की ही सारी दुनिया प्यासी है आज वह भगवान स्वयं मेरा हो गया है जिसको आज तक सारी दुनिया मात पिता के रूप में पुकारती आई है आज उससे मैं साकार में पिता के रूप में पालना प्राप्त कर अपने को सौभाग्यशाली आत्मा अनुभव कर रही स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं संतान अब हर कर्म करते हुए मैं इसी श्रेष्ठ स्मृति में रहूंगी जिस ईश्वरीय कुल की मैं बनी हूं उनके नियमों और मर्यादाओं का पालन करूंगी अब अपने कर्मों के द्वारा मैं आत्मा आपका व इस ऊंचे कुल का नाम पाला करूंगी मैं आपकी सदा आज्ञाकारी फरमान बरदार बनकर रहूंगी अब महसूस करें कि स्वयं शिव बाबा शिक्षक के रूप में मुझे शिक्षा देते हैं अनुभव करें मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे स्वयं परमपिता परमात्मा शिक्षक बनकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं सर्वज्ञ जानी जाननहार परमात्मा से प्राप्त कर रही हूं जो आज तक किसी ने नहीं दिया तीनों कालों का तीनों लोकों का
ज्ञान प्राप्त कर मैं आत्मा स्वयं को ज्ञानवान अनुभव कर रही हूँ। सत शिक्षक द्वारा प्राप्त होने वाला सत ज्ञान मुझे खुशी प्रदान कर रहा है। कमाल है आपकी बाबा जो मुझ आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर आपने रचयिता और रचना के ज्ञान को स्पष्ट कर दिया। मेरे परम हितैषी बाबा आपने मेरे जीवन का पथ इतना स्पष्ट कर दिया है कि मेरे हर कदम निस्वार्थ निर्विकारी और निरहंकारी होते जा रहे हैं। आपकी श्रेष्ठ शिक्षाओं द्वारा मुझे पाप और पुण्य की भी पहचान मिल गई। किसी विरले को ही नसीब होने वाला यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैं आत्मा बड़ी एकाग्रता और रुचि से ग्रहण कर रही हूँ।
Thank you.